हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, लड्डू गोपाल की छठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूं कि आप सब लोगों की छठी बहुत अच्छे से मन गई होगी, क्योंकि ये वीडियो तो कल आएगा, हो सकता है मे बी आज शाम को आ जाए, लेकिन तब तक ऑलमोस्ट सबके यहाँ छठी हो गई होगी। तो मैं कितने बजे कर रही हूँ, मेरे पास कोई दूसरी चीज़ तो नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि 10:30 का जो है वो समय हो रहा है, और पूजा में क्या क्या तैयारी हो गई वो मैं दिखा दूँ। तो ये तो देखिए फूल हैं गुड़हल के, ये पीले रंग का कोई फूल है जो कि बरसात के सीज़न में आता है, मैं इसका नाम भूल गई। ये एक पर्पल कलर का फूल है, लेवेंडर कलर का, और ये मैं लाई नहीं थी कहीं से, अचानक से ऐसा पेड़ आके कहीं से लग गया है और उससे अब अच्छे फूल निकल रहे हैं। तो मैं इसके बारे में जानती नहीं, कोई जानता तो बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पे जो है वो ये कनेर के पीले फूल हैं, ये ऐसा ये दिखने में ना कुछ कुछ जो है वो जैसे बेले वेले का फूल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन ये वो है नहीं। और ये जो है वो सफ़ेद कनेर है, और इसके बाद ये अपराजिता है। अपराजिता हमारे यहाँ दोनों हैं, सफ़ेद भी हैं और नीली भी है, ठीक है। तो ये तो हो गई फूलों की तैयारी, जो कि गार्डन से ही हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझको, दीदी गार्डन का टूर करा दीजिए। सो कभी फुर्सत में कराती हूँ, अभी तो बरसात चल रही, सो गार्डन में खूब जंगल हुआ है, बाद में कभी फुर्सत से करा दूँगी। उसके बाद ये उनकी मैंने पोशाक निकाली है, बहुत सारे लोग बोलेंगे ब्लैक कलर की पोशाक। सो कलर से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनकी छठी होने जा रही है वो इससे ज़्यादा ब्लैक है, ठीक है। तो कलर से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, बोल मैंने इसलिए दिया पहले क्योंकि फिर वो कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद ये है सिंगार की सारी सामग्री, कलावा वगैरह, यहाँ पे जो है वो कच्चा दूध है, क्योंकि इसी में हमें जो है वो स्नान करवाना है। तो अभी मैंने इसमें फूल वगैरह तुलसी नहीं डाली है, तो वो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये है, इसमें गुलाब का पत्ता पड़ा हुआ है, ठीक है, कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता, लेकिन पड़ा हुआ है। और ये मैंने जो है वो भोग बनाया है, सो भोग में है कड़ी, ठीक है, तुलसी के पत्ते एक साइड में रख दिए हैं। और ये दो कपड़े हैं, एक तो उनके स्नान के लिए और दूसरा है उनका ही मुख पोछे के लिए, ठीक है। सो ये तो है बेसन की कड़ी, और ये है तुलसी के पत्ते, चावल और पापड़ और रोटी जिसमें घी लगाया हुआ है, और आलू, और ये है गुजराती गुड़, जो लोग गुजरात से हैं वो जानते होंगे। और उसके बाद जो सर्वप्रथम भोग उनको लगेगा वो है माखन मिश्री, ठीक है। ये सब चीज़ें तो बाद में लगेंगी, क्योंकि आज की रसोई एक अच्छी रसोई बननी थी तो इसलिए ये भोजन ज़रूरी था, लेकिन जो प्रमुख भोजन है उनका वो तो माखन मिश्री का है, वही रहेगा, ठीक है। तो कड़ी के बारे में एक चीज़ मैं बता दूँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि कड़ी कहाँ की जो है वो प्रसिद्ध डिश है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये शायद पंजाब की है, गुजरात की है, हरियाणा की है, या फिर ये है राजस्थान की, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये इंदस वैली की, इंदस वैली मीन्स जो है सिंधु घाटी, वहाँ से निकली हुई है, और फिर जो है वो इसने अपना विकास क्षेत्र बढ़ा लिया, ठीक है। तो कड़ी प्रसिद्ध डिश इंदस वैली की है, सिंधु घाटी की, और उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब यहाँ होते हुए सिंधु की है। कहने का मतलब इसे कि सिंधु घाटी से ही इसका जो है वो प्रचलन बढ़ा है। तो दोस्तों, अब हम करवाते हैं अपने लड्डू गोपाल का छठी का स्नान। जन्माष्टमी की वीडियो को बहुत पसंद किया आप लोगों ने, अब पहली बार ऐसा हुआ है, ये फर्स्ट वीडियो थी मेरे चैनल की, मैं नहीं बता सकती आपको कैसे हुआ है ये, कि मतलब कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया, नहीं तो हर बार कुछ ना कुछ आता था, तो खैर इस बार नहीं आया। तो ये बताने का विषय था, एक गुड़हल का फूल दे दें। तो हम करते हैं अब लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी, और फटाफट मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस फूल को मैंने इस तरीके से डाल दिया, और आप लोगों ने कैसे कैसे छठी मनाई अपने ट्रेडिशनल के हिसाब से बताइएगा। हमारे यहाँ तो जिस तरीके से मनाई जाती है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से जो है वो हमारे लड्डू गोपाल आ जाएंगे, और इस समय तो ये विशेषकर निवस्त्र ही रहेंगे, तो वस्त्र तो हमें बाद में पहनाएंगे। तो इस तरीके से, वैसे मैं छठी कई बार आपको करके दिखा चुकी हूँ, कोई नई चीज़ जो है वो ये नहीं है। और अब इनको पतिदेव जो है वो दूध से बाहर निकालेंगे, तो 3 बार इनको इस तरीके से जल में, दूध में रखा जाएगा, ऐसे एक बार मैं कर देती हूँ, और अब 2 बार जो है वो यही निकालेंगे, यही रखेंगे, और उसके बाद सादा जल से हम इनका स्नान करा देंगे। और अब मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि दीदी इस दूध का क्या करना है, तो इस दूध को आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं घर में, और आप चाहे खीर बना लीजिए,
चाहे आप पंचामृत बना लीजिए, चाहे गौ माता को दे दीजिए, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। कोई ऐसा विशेष वो नहीं है कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, या यही करना कंपलसरी है, ठीक है। प्रसाद में आपने जो भी लगाया है ईश्वर को, दूध हो, दही हो, जो भी हो, उसे अंत में आपको प्रसाद रूप में ही ग्रहण करना है, ठीक है। और अब जो है हमारे लड्डू गोपाल का छठी का स्नान हो गया है, सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अभी आने वाली है राधा जी की अष्टमी, तो उसकी पोशाक तो अभी मैंने बनाई नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई विशेष आइडिया है उनकी पोशाक के लिए तो ज़रूर शेयर करिएगा। मैं लगी हुई हूँ कि किस कलर कॉम्बिनेशन में बनाऊँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे राधा रानी का कलर तो ब्लू है फेवरेट, तो ब्लू में बनाइए। सो कोशिश रहेगी कि ब्लू का कुछ टच रहे, प्रॉपर ब्लू तो नहीं बनाऊंगी, कुछ कॉम्बिनेशन में ही जो है वो पोशाक में बनाऊंगी। तो ये लड्डू गोपाल को मैंने अच्छे से पोछ दिया है और अब हम करते हैं इनके छठी का श्रृंगार, ठीक है। तो श्रृंगार में सबसे पहले इनकी नैपी कहाँ चली गई, दीखिरा, हाँ लो श्रृंगार तो बाद में होगा, पहले नैपी ढूंढ ली जाए। कहाँ है, निकाली तो थी ब्लू कलर की दूसरी, तो नैपी तो भाई गायब हो गई है, मिल नहीं रही है, मुझे भी मिल गई, रहने मिल गई, बैठ जा। तो इस तरीके से ये लेवेंडर कलर की हमने नैपी पहना रहे हैं और आज इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो कुछ इसी में चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे से और उसके बाद पहनाएंगे हम इनको इनकी चोली। और इस समय आपको आवाज़ बहुत आ रही होगी, सो ये समय जो है वो मेरे मोहल्ले का ऐसा समय होता है, सब्ज़ी वाले, दूध वाले, पता नहीं कौन कौन घूमते रहते हैं, तो उन्हीं सब की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैंने गेट बंद नहीं किया। अच्छा एक चीज़ और है, कहने को छठी है और आज सुबह 4 बजे से पानी बरस रहा है, तो सुबह 4:30-5 बजे के करीब से जो है मैं सुन रही हूँ पानी की आवाज़ लगातार आ ही रही है। बीच में ही बंद हो गया था लेकिन फिर शुरू हो गया। तो बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं दीदी ये पोशाक पहनाते कैसे हैं, तो वैसे तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखा देती हूँ कि ये जो पोशाक होती है इसका जो फ्रंट होता है उसे हम पीछे नहीं आगे बंद करते हैं, क्योंकि अगर हम पीछे बंद करेंगे यहाँ के साइड तो ऊपर से पोशाक खुल जाएगी, तो इसे हम हमेशा आगे से बंद करते हैं। और पता मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत सारी पोशाक देखी लेकिन पता नहीं क्या हुआ मुझे कोई पोशाक ना तो पसंद आई ना उसका कलर पसंद आया, हाँ यही पोशाक निकली। और ये पोशाक किसी ने हमें गिफ्ट की थी, अब मैं उनका नाम भूल रही हूँ, उन्होंने एक ब्राइडल पोशाक राधा कृष्ण जी के लिए गिफ्ट की थी, तो उन्हीं ने ये पोशाक मुझे गिफ्ट किया। तो अगर आप लोगों को नाम याद है तो बताइएगा, टैग कर दीजिएगा मुझे इंस्टा पर, और वैसे मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने ये पोशाक भेजी थी और इसके साथ बहुत सारी पोशाक आई थी, तो ये पोशाक अब तक उन्होंने पहनी भी नहीं थी, तो मुझे लगता है यही पोशाक पहननी भी थी। तो अब जो है वो हम इन्हें कुंदन का सेट पहनाएंगे और काफ़ी टाइम लगता है लड्डू गोपाल के श्रृंगार में। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे जल्दी हो जाता है, जल्दी नहीं होता, राधा कृष्ण जी से ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये हमने शॉर्ट हार पहना दिया, अब हम इन्हें एक माला पहना देंगे इसी पोशाक से मिलती जुलती सी। और ये कंगन मैंने आपको दिखाए थे शॉपिंग हॉल में, और शॉपिंग हॉल में मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा दीदी क्या ये आइटम अवेलेबल है, तो देखिए मुझे पता तो नहीं है, है कि नहीं, मैंने तो चूँकि वृंदावन से ख़रीदा था, तो अगर आप एक बार ट्राई कर लें अगर किसी ऐप पर अवेलेबल हो। हाँ बहुत सारे लोग मुझसे बोलते दीदी रेट बहुत अप डाउन होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जब ऑनलाइन आदमी आपको सामान देगा ख़रीदेगा, और फिर जो है ये मैं बालियान के लिए लाई थी और ये आर्टिफिशियल है तो ये मैं पहनाऊँगी, तो देगा शिपिंग चार्ज होगा तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत तो बढ़ा के देगा ही देगा, तो कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देते हैं कुछ लोग कम बढ़ाते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो जो है वो हमने इन्हें ये खुली नहीं रही, बालियां पहना दी और ये बाली जैसे तैसे खुल नहीं रही थी और अब ये बंद नहीं हो रही। चलो देखते हैं इनके बाल कहाँ हैं। और ये जो है पगड़ी थी, तो इस देखिए इस टाइप की पगड़ी में ना एक ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि कभी इनकी स्टोन चेन निकल जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो आप परेशान ना हो, इन्हें जो है वो बहुत आसानी से चिपकाया जा सकता है। ग्लूगन है आपके पास तो उससे चिपका लीजिए, नहीं है तो फेविक्विक वगैरह से आप लगा लीजिए, नहीं है तो उस तरीके से जुल्ली पहनाने वाला आता है उसी से चिपका देती हूँ मैं, तो चिपक जाती है। तो ये हमने जो है वो इनका श्रृंगार ऑलमोस्ट डन कर दिया है,
बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं, दीदी आप श्रृंगार करके लड्डू गोपाल को, आज लड्डू गोपाल ने बहुत दिनों बाद बाल पहने हैं, क्योंकि ना इनके बाल मुझसे गुम हो गए थे, मिल ही नहीं रहे थे, मतलब अब मैं आपको बताऊं तो लगभग 7 महीने हो गए हैं, 8 महीने बाद आज बाल पहन रहे हैं। तो बालों की हालत तो बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी हम पहना देते हैं। अब वो चंदन श्रृंगार मैं अभी पूरा नहीं करूँगी, इसलिए कि वीडियो हो जाएगी जन्माष्टमी की वीडियो से ज़्यादा लंबी। अब हल्की सी बिंदी लगा देती हूँ अभी, क्योंकि अभी हमारे घर में और लोग भी ने बिंदी लगाएंगे ही लगाएंगे, तो बस ऐसा एक लंबा सा तिलक लगा देती हूँ बढ़ा के, बकायदा मैं आराम से फुर्सत में इनका श्रृंगार जो है वो शाम में करूँगी। सो ये है इनका मिरर, ठीक है। मुझसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे दीदी इसको पलट के दिखा दिया करिए, तो पलटने में ये ना कुछ ऐसा सा है, ठीक है, और इसी से हम इनके दर्शन इनको करवा देते हैं। वैसे ईश्वर तो सभी देख रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों के कमेंट है, इसमें हम लगा देते हैं मोर पंखी इस तरीके से। तो ऑलमोस्ट श्रृंगार इनका हो गया है, तो अब आप वीडियो से अंदाज़ा लगाइएगा कितना समय लगता है। मुझसे बहुत सारे लोग बोले थे अरे जरा सा समय लगता है लड्डू गोपाल के श्रृंगार में, नहीं जी ऐसा नहीं है। और ये है इनका सिंहासन, बकाया कि मैं दर्शन इनको इन पर बैठा के जो है वो करवा देती हूँ, कि कैसे लगेंगे लड्डू गोपाल बैठने के बाद, ठीक है। और थोड़ी सी डेकोरेशन की मैंने जन्माष्टमी की, बिल्कुल ज़रा सी डेकोरेशन की है, सॉरी जन्माष्टमी बोल रही हूँ इसकी, एक्चुअली आज नहीं है मेरी तबीयत सही, थोड़ा सा मुझे पकौड़ी तलने में दिक्कत होती, मैंने पकौड़ी तली तो मेरा बीपी डाउन था, उसकी वजह से क्या हुआ मुझे वोमिटिंग हो गई, तो अब कुछ का कुछ निकल रहा है। तो इस तरीके से जो है वो लड्डू गोपाल विराज गए, लग बहुत सुंदर रहे हैं और मोर पंखी के साथ ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, कलर कंट्रास्ट एक ऐड हो गया है। तो बकाया कि मैं भी आपको आगे जो है वो दिखाती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो हो गया था इनका स्नान श्रृंगार, और अब होगी इनकी पूजा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं बस यही इनकी पूजा होती है, नहीं यही इनकी पूजा नहीं होती, इनकी पूजा में बहुत आडंबर होते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी बांसुरी जो कि मैंने खरीदी थी, उसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कितने वेट की है, तो अब वेट तो मैं भूल गई इसका, तो ये है और ये है इनका झुंझुना, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं यहीं रख दूंगी। चलिए अब हम इनका जो है वो प्रॉपर जो है वो पूजन शुरू करेंगे। और ये हैं इनके लिए दो खिलौने, क्योंकि लड्डू गोपाल है तो खिलौने ज़रूरी हैं अभी तो, और आज तो चूँकि छठी है। तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे दीदी आपने 6 दिन क्या भोग लगाया, दूध का ही भोग लगता है वैसे तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलिए हम इनकी पूजा स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले चूँकि अब सब कुछ हो गया है, श्रृंगार विंगार हो गया है, स्नान हो गया है, फिर भी एक बार अपनी मन की संतुष्टि के लिए स्नान कराएंगे इनका। और कलश की स्थापना मैंने कर दी थी और अभी मैं आपको दिखाती माचिस दे हम। तो मैंने जैसे कि हर वीडियो में आपसे एक बात बोली कि कोई भी पूजा हो, वो चाहे छठी हो चाहे जो भी हो, और उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखा करें कि कलश की स्थापना गणेश पूजन बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर पूजा का कोई मायने मतलब नहीं है। तो चाहे छठी हो चाहे छोटी मोटी पूजा हो चाहे बड़ी पूजा हो, बड़ी पूजा बड़ा कलश की स्थापना करिए, छोटी पूजा है छोटी कलश की स्थापना करिए, है कि नहीं, लेकिन करिए ज़रूर। तो मैं आपको दिखा दूँ पहले कि ये तो हमने की है कलश की स्थापना, ठीक है, यहाँ पे गणेश जी विराजमान है, इनका पूजन हो गया है, कलश का पूजन हो गया। और आज कलश तुलसी दल के साथ सजा हुआ है, पान के या आम के पत्ते नहीं लगे हैं, ठीक है। और अब चलते हैं हम लड्डू गोपाल की तरफ। तो ये इनका स्नान हो गया, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को पहनाया, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई, और उसी बीच हमने बहुत सारी चीज़ें घुमा घुमा के हाथों को यहाँ वहाँ स्पर्श किया, तो एक बार स्नान इनका ज़रूरी था। चावल दे, और उसके बाद जो है वो अक्षत छिड़केंगे, ठीक है, पुष्प चढ़ाएंगे अलग अलग रंग के, अलग अलग तरीके से, जैसे आप चढ़ाना चाहते हैं वैसे इनको पुष्प चढ़ाएं। मैं आज ना चूँकि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, उसको कंट्रास्ट करने में लगी हुई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद हम बांधेंगे इनको कलावा, इनके इसी हाथ में जो है कलावा ऐसे लपेट देंगे 3 बार, ये देखें ऐसे, धूप दीपक दे, और हल्का सा जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि इनको चंदन लगना है, तो अभी चंदन लगेगा इन्हें, तो मैंने इसीलिए बहुत छोटी सी बिंदी लगाई है, और बाद में मैंने जो है वो
शाम के समय में, अभी तो नहीं, शाम को अच्छे से इनका एक बार श्रृंगार और कर दूंगी। तो ये हो गई बिंदी। लड्डू पल आजकल पता नहीं क्यों ऐसा है, मुझे नहीं पता कि कैमरे के एंगल के वजह से ऐसा हो रहा है या ऐसा है, ये मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ ना फेस थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, मोटे मोटे से दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता मेरे ही नज़रिया हो, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन ये कुछ मोटे मोटे से दिख रहे हैं। घंटी हो जाए तो अब हम इन्हें धूप दीपक दिखा देंगे। तो धूप दीपक के बाद, चूंकि मैंने आपसे पहली बार बहुत बार ये बात कही है कि आचमनी जल की जरूर कर दिया करें, वो लोटा कहाँ पीतल वाला, तो उससे एक बार आचमनी को आचमनी कर दें आरती पर, ठीक है, और अपने हाथों को जो है वो शुद्ध कर लें, उसके बाद ही किसी दूसरी चीज़ को स्पर्श करें। सो अब जो है हम माखन मिश्री का भोग लगाएंगे, और इस तरीके से ये माखन मिश्री में तुलसी जी पड़ी हुई है, तो 3 बार दिखा कर हम भोग को रख देंगे, उसके बाद ईश्वर को जो दृष्टि भोग अपना लगाना होता है वो लगा लेंगे, और फिर हम कच्चा भोग लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से और अब हम जो है वो फिर से हाथों को धो लेंगे, और ये हो गया जो है वो माखन मिश्री का। और अब जो हमने अपनी आज कच्ची रसोई बनाई थी हम उसका भोग लगाएंगे, ठीक है। तो कच्ची रसोई में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ कढ़ी चावल मैंने सब दिखाई दिया है आपको, ऑलमोस्ट आलू की सब्ज़ी नहीं बताई थी, तो ये आलू की सब्ज़ी मेरी मम्मी की वो है तरीके की, वो बनाया करती थी, तो आज मैंने कोशिश की है, मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हीं की रेसिपी को ज़्यादा फॉलो करूँ, तो चूँकि उनकी रेसिपी बड़ी कमाल की होती है, बहुत कम मिर्च मसाले होते हैं लेकिन बनती बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। तो इस तरीके से जो है वो इनका भोग हो गया है, ठीक है, यहाँ पे इनका भोग जो हमने लगा दिया, अब हम इसमें क्या करेंगे, आचमनी कर देंगे ऐसे 3 बार। तो आप चाहे सुबह का भोग लगाइए, चाहे शाम का भोग लगाइए, चाहे रात का भोग लगाइए, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और इसी प्रकार से लड्डू गोपाल की जो है हम जल से आचमनी कर देंगे 3 बार। और अभी भोग मंदिर में रहेगा, चूँकि मंदिर में मुझे बहुत सारे काम हैं उनको निपटाना है, आपको डेकोरेशन भी दिखानी है, और उसके बाद एक सादा कपड़ा मंदिर में हमेशा रखें, सादे का मतलब चाहे जैसा लेकिन अच्छा कपड़ा रखें, ठीक है, साफ, कहने का मतलब साफ, और उससे जो है वो इस प्रकार से लेके आप 3 बार ऐसे मुख पोछी अवश्य करें, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, और कपड़े को कर दें साइड में। सो दोस्तों ये तो हमारी छठी हो गई है, अभी मंदिर में कुछ काम बचे हुए हैं, फूल वूल चढ़ाना है तो वो सब कर देते हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ अब छठी की डेकोरेशन, ठीक है, कि क्या क्या डेकोरेशन हमने की थी। सो कोई विशेष डेकोरेशन नहीं की थी, ये वही झूला है जो हमने अभी निकाला नहीं है, और इसी पर इस बार हमने सारा पूजन छठी का किया, चूँकि छठी मेन पर्व लड्डू गोपाल का है, इन्हीं का छठी का चूँकि स्नान होना है, तो ये इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर तो हमने की है कलश की स्थापना, और मैं धीरे धीरे आपको यहीं से सारी चीज़ें दिखाती हूँ। और ये बैठे हैं जो है वो अष्ट सखियाँ, जो कि लड्डू गोपाल के साथ बैठी हुई हैं आज तो, तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, और आप लोगों ने छठी कैसे मनाई ये भी बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, और राधा अष्टमी की तैयारियाँ भी शुरू करूँगी, जल्दी जल्दी शुरू करूँगी क्योंकि वो भी नज़दीक है, और कोई ड्रेस का अगर आइडिया हो तो ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ इंस्टा पर, तो मैं जो है वहाँ पर अपडेट रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर ज़रूर एक बार अगर कोई आइडिया है तो ज़रूर करिएगा, तो कोशिश करूँगी मैं बनाने की, बकाया कि मैं तो देख ही रही हूँ। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, एक बार पुनः आपको लड्डू गोपाल की छठी की ढेर सारी शुभकामनाएं।